हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मोटरोला के मोटो G54 का कैमरा टेस्टिंग। अभी तक आपने जितने भी फोटोग्राफ कहीं भी देखे होंगे उसमें सिंगल क्लिक दिखता है, मतलब या तो आप फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप बैक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी इस फ़ोन में एक फ़ीचर जो आया है, चाहे आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करें चाहे आप इसमें जो है फ़ोटो खींचें, हमारे पास जो है दो ऑप्शन रहते हैं। हम चाहें तो फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे वन टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ये खास तौर पर ये फीचर जो है जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब वो कहीं व्लॉगिंग करते हैं इस टाइप से और बताते हैं हेलो गाइस मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं अभी राजबाड़े पर हूँ, हेलो गाइस मैं पेरिस में घूम रहा हूँ, जो भी चीज़ें इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें क्या है यहाँ पर उनका खुद का फ़ोटो दिख सकता है, एक जगह उनका खुद का फ़ोटो दिख सकता है और एक जगह सामने का क्या दिखाना चाह रहे हैं वो दिख सकता है। इसके अलावा इस फीचर के क्या बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट कुछ ये भी हैं कि जैसे आप कोई पॉडकास्ट करते हैं, कोई बंदा आपके सामने बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आधे में आपका फ़ोटो आएगा आधे में उसका आएगा, या आप चाहें तो एक कॉर्नर में आपका और बाकी में उसका, या एक कॉर्नर में उसका और बाकी एरिया में आपका पिक्चर आए। तो ये बहुत ही बढ़िया, मुझे तो भाई बहुत फैंटास्टिक फीचर लगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है किसी फ़ोन में ये फीचर। हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादा महंगे फ़ोन पहले से यूज़ किए हों तो आप लोगों ने पहले से देख रखे हों, लेकिन मैंने तो भाई ये फर्स्ट टाइम फीचर देखा कि ऐसा भी एक फ़ीचर है कि हम फ्रंट और बैक दोनों कैमरे को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने फ़ोन में जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करता हूँ, तो इसमें जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे अभी जैसे ही हम कैमरे को ओपन करेंगे, तो कैमरे को ओपन करने के बाद ड्यूल कैप्चर का एक फीचर आएगा, ड्यूल कैप्चर वीडियो। और तो देखिए, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने एक फ्लावर रखा है मेरे और फ्रंट कैमरे से मैं अपने आप को कैप्चर कर रहा हूँ। इसे फ्लावर को मैं मूव भी करा सकता हूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके बाद मैं अभी आपको इसका फ़ोटो का फीचर भी दिखाऊंगा। तो ये ड्यूल कैप्चर वीडियो था, फिर इसमें अगर जाएंगे तो ड्यूल कैप्चर ये फ़ोटो का भी फीचर है। तो यहाँ से आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आ जाएगा, आप फ्रंट में क्या बैक में क्या दिखाना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। इसमें दो फीचर होते हैं, एक कॉर्नर में अपने फ़ोटो को दिखा सकते हैं, एक हाफ में दिखा सकते हैं अपना और फ्रंट का और बैक का। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, काम की लग रही हो, तो भाई चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे से ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं बताऊँगा आपको। और इसे लाइक भी कर देना, ठीक है। और देखिए, तो ये टॉप और बॉटम में दो तरह की रिकॉर्डिंग आ रही है। इस समय बॉटम में फ्लावर आ रहा है और टॉप में मेरा फ़ोटो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की रिकॉर्डिंग बहुत यूज़फुल है व्लॉगर्स के लिए, पॉडकास्ट के लिए, किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फीचर है, मेरे ख्याल में आपको जिस फ़ोन में भी मिले तो इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बाकी मोटो G54 के मैं तीन या चार वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसमें बहुत सारे फ़ीचर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह से मैं नए नए फीचर्स जो जो मेरे नॉलेज में आएंगे, जो जो नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी, वो आपको भी बताऊँगा और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।